अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। लेक्चर नंबर 3 है हमारा, लेकिन इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी 2.1, उसके कुछ क्वेश्चंस को मैं ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन तीन क्वेश्चंस में जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसको सॉल्व करते हुए आपने शो करना था सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 + m². फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 में आपने प्रूव करना था a इज इक्वल टू सी एम। क्वेश्चन नंबर 7 में a³ + b³ + c³ इज इक्वल टू 3abc। इन तीन क्वेश्चंस के बाद बिल्कुल सीक्वेंस से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 थे, जिनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने डिस्क्रिमिनेंट के अंदर रख के ये प्रूव करना था कि ये एक रैशनल रूट है, ये भी एक रैशनल रूट है। सेम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में आपने प्रूव करना था कि ये दोनों रियल हैं। अब रियल भी इसी बेस पे होते हैं जब वो क्या हों, रैशनल हों, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको एक कम्प्लीट स्क्वेयर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 में ab + bc - 2ac का होल स्क्वेयर, सेम क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकंड पार्ट जो है 2 × b - c होल स्क्वेयर, क्योंकि ये दोनों कंप्लीट स्क्वेयर्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 हमने कल अटेम्प्ट किया था, ये भी कंप्लीट स्क्वेयर है। और क्वेश्चन नंबर 10 आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे तो एंड टर्म पे जो आपको फार्मूला मिलेगा वो मिलेगा c + a - 2b होल स्क्वेयर। ये चारों क्वेश्चन जो हैं स्क्वेयर बेस्ड हैं, इस वजह से इनको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल है। क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो हो ग्रेटर देन ज़ीरो हो बट अ परफेक्ट स्क्वेयर हो, परफेक्ट स्क्वेयर। फर्दर हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्यूब रूट्स पूछे गए हैं, आपको कुछ डिजिट्स वो देगा, कुछ नंबर्स देगा और आपने उसके क्या फाइंड करने होते हैं, क्यूब रूट्स, लाइक -1, 8, 27 या 64। ये चार क्वेश्चंस हैं और इन चारों क्वेश्चंस के आपने क्या फाइंड करने थे, क्यूब रूट्स। इसके अलावा आपको और भी डिजिट्स दिए जा सकते हैं जिनके क्यूब रूट हों, लाइक 64 क्या होगा 4 का क्यूब, 27 क्या होगा 3 का क्यूब, 8 क्या होगा 2 का क्यूब, -1 क्या होगा, जैसे ये 8 है तो ये -8 भी हो सकता है, -1 है तो ये +1 भी हो सकता है, जिसको मैं सॉल्व करूँगा। और इस स्ट्रक्चर की बेस पे आप इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये -1 है और ये 1 है, और क्वेश्चन की एग्जाम्पल की स्टेटमेंट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन 1। आपने इसको x³ = 1 जब रखा तो +1 इधर आकर -1 हो जाएगा, सेम अगर -1 होगा तो इधर आकर +1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिलेगा a³ - b³, क्योंकि x³ - 1³ = 0। अब a³ - b³ होता है a - b × a² + ab + b². इस फार्मूला बेस्ड पे जब आप इसे ओपन करेंगे तो a - b × a² + ab + b², यहाँ पर आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, x - 1 = 0, देन x = 1। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट है। इसके बाद जो सेकंड फैक्टर में आपको x² + x + 1 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहाँ से अगर आप a, b और c की वैल्यूज़ निकालें तो वो तीनों ही 1 होती हैं। उसको जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली x = -1 ± -3√2। यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्टार्ट होता है। अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं या इसकी प्रेपोजिशंस बनाएं तो आपको दो प्रेपोजिशन नज़र आ रही होंगी, -1 + -3√2, ये प्लस फॉर्म में,
और माइनस वन माइनस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू, ये माइनस फॉर्म में। यहाँ पर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है इसलिए इसे ओमेगा का नाम दिया गया है। ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू। सेम जो माइनस वाला प्रपोजिशन है उसको आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा है ये और वो होगा ओमेगा स्केयर माइनस वन माइनस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू। यहाँ पर आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू से भी वाकिफ हो गए। अगर आपसे पूछा जाए कि ओमेगा की क्या वैल्यू है तो आप बता सकते हैं कि माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू। सेम अगर आपसे पूछा जाए ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू है तो माइनस वन माइनस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू। यहाँ पर इनके दो फंक्शंस हैं, फंक्शन नंबर वन क्या है जो कि आगे क्वेश्चंस में यूज़ भी होगा, सम ऑफ रूट्स। क्योंकि ये तीन रूट्स हैं, एक था वन, दूसरा है ओमेगा और तीसरा है ओमेगा स्केयर। अगर मैं यहाँ पर इनको लिख लूँ वन ओमेगा और ओमेगा स्केयर, अब सम ऑफ रूट्स का मतलब है कि आपने इन तीनों को क्या करना है, सम अप करना है, वन प्लस ओमेगा स्केयर। सम ऑफ रूट्स वन प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू होता है ज़ीरो। और उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट वन क्रॉस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू होता है वन। अब ये सम ऑफ रूट वन प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो कैसे होता है, जब आप इन तीनों रूट्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा ज़ीरो। ये इसके प्रूव में भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू ज़ीरो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वन प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू आंसर आएगा वन। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू और ये है सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। अब इन दोनों की बेस्ड पे आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करवान एवेल्यूएशन दी गई है और उसके 8 पार्ट्स हैं। अगर हम वहाँ पर हर क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सहारा लें तो हम इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर मैं पहले पार्ट को लूँ तो 1 माइनस ओमेगा स्केयर, 1 माइनस ओमेगा स्केयर पावर 7। अगर आप इसे एवेल्यूएट करें इन दोनों के बेस पे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट बनाने की कोशिश करें और इसे सिंप्लीफाई करें तो 1 अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की पावर 7। अब यहाँ पर क्योंकि हमने सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है तो इसके कुछ फंक्शंस मैं आपको लिख के दिखाऊँ, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम किसी भी एक या दो टर्म्स की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस ओमेगा देन माइनस ओमेगा स्केयर। अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालें तो वो होगी माइनस ओमेगा, और अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालें तो वो होगी माइनस वन। अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह पे माइनस वन पुट कर सकते हैं और होल पावर है 7। 1 माइनस माइनस प्लस 1 पावर है 7, 1 प्लस 1 2 पावर 7 इज इक्वल टू, ये आपका आंसर होगा। और सेम इसी क्वेश्चन की तरह अगर हम सेकंड पार्ट लें या थर्ड पार्ट लें तो आप उन्हें इजीली एवेल्यूएट कर सकते हैं बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे। इधर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू है 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, और इसके बाहर जैसे पावर 7 थी उसके बाहर उन्होंने पावर दी है 5। अब सेम यहाँ से जैसे हमने माइनस कॉमन लेके अंदर एक टर्म बनाई थी जिसकी वैल्यू हम इजीली पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस 3 अगर कॉमन लिया जाए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बाहर पावर है 5।
वन माइनस थ्री ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होल पावर फाइव, वन माइनस माइनस प्लस थ्री पावर है फाइव, थ्री प्लस वन फोर, फोर पावर फाइव इज इक्वल टू, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आप इजीली कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, टू पावर सेवन और जैसे फोर पावर फाइव है, और इसके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो तकरीबन एज़ यूजुअल सेम है। अगर हम कुछ दो तीन पार्ट्स और करें तो आपको क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर फोर, वन टू थ्री फोर सेम मिलेगा। अगर हम पार्ट नंबर फाइव की बात करें, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर फाइव, तो माइनस वन माइनस माइनस थ्री अंडर रूट, बस इतनी वैल्यू आपको दी गई है, जबकि बाहर क्या है पावर सिक्स, और सेम माइनस वन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। मीन वो एक साइड पे आपको क्या दे रहा है ओमेगा, और दूसरी साइड पे क्या दे रहा है ओमेगा स्क्वायर, जबकि दरमियान में क्या है प्लस। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को, हमारी पिछली जो वैल्यूज़ थी इधर आप अगर आप लिखें ओमेगा इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट ओवर टू, इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास सिर्फ नीचे टू नहीं है, इसका मतलब है माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट इज इक्वल टू टू ओमेगा। इसकी जगह पे आप टू ओमेगा पुट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर हम टू ओमेगा पुट करें होल पावर है सिक्स प्लस यहाँ पर इस नेगेटिव वैल्यू की वजह से टू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी पावर क्या है सिक्स है। अब अगर आप सेपरेटली पावर्स को अंदर लेके आए, टू पावर सिक्स ओमेगा पावर सिक्स प्लस टू पावर सिक्स ओमेगा पावर सिक्स, टू आर ट्वेल्व, यहाँ पर टू पावर सिक्स आप कॉमन ले सकते हैं, टू पावर सिक्स इंटू ओमेगा सिक्स प्लस ओमेगा ट्वेल्व। अब सम ऑफ रूट्स के साथ आपने एक और चीज़ पढ़ी थी प्रोडक्ट ऑफ रूट, मीन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। इस सेटअप पे इसको हम क्लोज करने की कोशिश करेंगे, 2.6 टू पावर सिक्स इज इक्वल टू ओमेगा की पावर सिक्स, ओमेगा की पावर क्यूब की पावर टू, सेम यहाँ पर ओमेगा की पावर क्यूब की पावर फोर, फोर थ्री आर ट्वेल्व और थ्री टू आर सिक्स। अगर हम यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करें, टू पावर सिक्स इंटू वन पावर टू प्लस वन पावर फोर, वन की जितनी भी पावर हो इज इक्वल टू वन ही होता है, टू पावर सिक्स इंटू वन प्लस वन, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। टू पावर सिक्स इंटू टू, अगर आप टू पावर सिक्स को एवेल्यूएट करते हैं तो इट इज इक्वल टू 64 इंटू टू, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 128। और क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर फाइव और पार्ट नंबर सिक्स दोनों बिल्कुल सेम हैं, बस जहां पर आप इसकी जगह पे टू ओमेगा पुट कर रहे थे, अगर मैं इधर ही आपको इसकी तस्दीक कर दूं, अगर यहां पर टू होगा तो हम यहां पर सिर्फ ओमेगा जनरेट करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट पावर क्या है ओमेगा। अगर यहां पर टू नहीं है तो मीन टू इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस वन प्लस माइनस थ्री अंडर रूट इज इक्वल टू टू ओमेगा। क्वेश्चन पार्ट नंबर फाइव और पार्ट नंबर सिक्स जो है वो सेम है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेवन। पार्ट नंबर सेवन में आपको कुछ पावर्स, हाईएस्ट पावर्स मिलेंगी, ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 माइनस फाइव। ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस फाइव, इसे आपने कैसे एवेल्यूएट करना है, इसको बिल्कुल आपने इस स्ट्रक्चर पे एवेल्यूएट करना है, और आपने कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
मीन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 आना चाहिए आपके पास। अब यहाँ पर 37 क्योंकि 3 का फैक्टर नहीं है, इसलिए हम यहाँ से पावर सेपरेट करेंगे, ओमेगा डॉट ओमेगा की पावर 36 प्लस यहाँ पर 38 है, यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर सेपरेट करना पड़ेगा, बाकी बचेगा ओमेगा की पावर 36, साथ है माइनस 5। ओमेगा डॉट 36 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम इसकी तरह आप यहाँ भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 12 माइनस 5। ओमेगा डॉट यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हैं, पावर 12 है और माइनस 5, 1 पावर 12 इज इक्वल टू 1 ही होता है, लिहाजा यहाँ पर ओमेगा प्लस यहाँ पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। और स्टार्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट किया था, माइनस 1। इस सेक्शन की जगह पे आप माइनस 1 लिख सकते हैं, साथ है माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 6। इस तरह से आप इसे इजीली एवेल्युएट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारा इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, और उसमें भी आपको सेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सिंपल यहाँ पर पावर्स जो थी वो पॉजिटिव हैं और वहाँ पर जो पावर्स हैं वो नेगेटिव हैं। पार्ट नंबर है 8, ओमेगा की पावर 13 प्लस ओमेगा की पावर 17, जबकि 13 और 17 जो दोनों हैं वो नेगेटिव फॉर्म में दिए हुए हैं। और अगर हम इसको सेकंड चैप्टर 9th में लेके जाएं तो पावर जो है वो नीचे आकर प्लस हो जाएगी, प्लस यहाँ पर भी पावर जो है वो नीचे आकर प्लस हो जाएगी। अब इनको आप अलहदा सेपरेटली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओमेगा 13 और ओमेगा 17, जैसे इन दोनों को किया गया था। अगर हम ओमेगा क्यूब को करें, इस पे अप्लाई, तो कैसे कर सकते हैं, ओमेगा डॉट ओमेगा पावर 12, ओमेगा डॉट ओमेगा पावर 3 बाहर आ जाएगा 4, ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और पावर है 4, ओमेगा इंटू 1 देन इट इज इक्वल टू ओमेगा, मीन ओमेगा 13 की जगह पर आप ओमेगा पुट कर सकते हैं, प्लस इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो ओमेगा 17 है ये आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एलसीएम जनरेट करें तो ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर दोनों एलसीएम में आ जाएंगे, यहाँ है ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पहले क्वेश्चन से बार बार यूज़ हो रहा है, इट इज़ इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 देन माइनस 1 ओवर 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है और इस वाले सेक्शन को आप क्वेश्चन के अंदर भी मर्ज कर सकते हैं और इसको साइड पे भी मर्ज कर सकते हैं, दोनों फॉर्म में बिल्कुल ठीक होगा। और जैसे ओमेगा 13 को आपने डिसॉल्व किया है और आपको ओमेगा मिला है, सेम अगर आप ओमेगा 17 को डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आने वाली टर्म होगी वो होगी ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ईजी है, उसमें आपने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है कि आपको उसके मल्टीपल ऑप्शन में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन है x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये मैंने राइट हैंड साइड लिखी है और इसी को ही हम सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करते हुए
आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अगर हम इसे एवेलुएट करें तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फॉर्म नज़र आ रही होगी। इस पॉलिनोमियल को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, ये आ रहा है आपके पास। x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस, इन दोनों में से आपको कॉमन फैक्टर जो मिलेगा वो एक्स वाई मिलेगा, और अंदर बच जाने वाली टर्म होगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, या फिर आप उसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा, एक ही बात होती है। और ये है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, वन अगर हम लिखेंगे तो साथ है y स्क्वेयर। और शुरू में हम जो यूज़ कर रहे थे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, वो इस क्वेश्चन में भी यूज़ होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वाई स्क्वेयर। और अगर हम माइनस वन के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दें तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। और ये एक प्रॉपर फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप यहाँ पर यूजिंग फार्मूला भी लिख सकते हैं, और अगर आप यूजिंग फार्मूला नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट वैल्यू के साथ तो कटिंग्स के बाद जो फाइनल बच जाने वाली टर्म्स होगी वो यही होगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और यहाँ पर आप एक हिंट भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस फार्मूले को यूटिलाइज्ड करते हुए आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग फार्मूला दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसके बाद हमारा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। वो क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर थ्री दोनों एक ही स्ट्रक्चर पर बेस्ड हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो खुद अटेम्प्ट करेंगे। और उसमें भी सिंपली यही मल्टीप्लीकेशन है, और उसके बाद लास्ट टर्म में आ सकता है, आप उसे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। लास्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, और इस क्वेश्चन में भी यही मल्टीपल फॉर्म बार बार यूज कर रहे हैं, वन प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर, नेक्स्ट है वन प्लस ओमेगा फोर वन प्लस ओमेगा पावर एट सो ऑन, टू एन फैक्टर थ्री एन फैक्टर जितने भी फैक्टर्स वो हैं आगे सेम ऐसे ही कंटिन्यूज होते हैं, और इज इक्वल टू है वन। मीन इसमें भी आपने यही प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास क्या आना चाहिए राइट हैंड साइड, मीन आपके पास क्या आना चाहिए वन आना चाहिए। अगर हम इसे एवेलुएट करें वन प्लस ओमेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर, वन प्लस ओमेगा फोर को हम लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, और वन प्लस ओमेगा एट को आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वेयर डॉट ओमेगा सिक्स प्लस सो ऑन टू एन फैक्टर्स। नेक्स्ट है वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ पर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन हो जाएगा, आप लिख सकते हैं वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर डॉट ओमेगा सिक्स को अगर हम लिखें थ्री की पावर टू, मीन ओमेगा क्यूब होल स्क्वेयर प्लस टू एन फैक्टर्स, वन प्लस ओमेगा स्क्वेयर
यहाँ पर फिर आ रहा है वन प्लस ओमेगा, ये इज इक्वल टू वन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन टू एन फैक्टर्स। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखें आपको बिल्कुल एक जैसी चीज़ मिलेगी, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे फिर है वन प्लस ओमेगा, नेक्स्ट फिर है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये दो टर्म्स जो हैं वो बार बार रिपीटेशन में जा रही हैं, और कहाँ तक जा रही हैं, टू एन फैक्टर्स तक जा रही हैं। मीन आने वाला जितना भी पोर्शन है वो सारा इन्हीं पे बेस्ड है। अगर आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो में से, तो आप क्या पुट कर सकते हैं, वन प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आगे जाकर माइनस हो जाएगा। मीन इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, सेम वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा, यहाँ पर फिर वही माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ओमेगा प्लस सो ऑन टू एन फैक्टर्स। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा हो जाएगा ओमेगा क्यूब, सेम ये दोनों भी ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद ओमेगा क्यूब प्लस सो ऑन टू एन फैक्टर्स। यहाँ पर आप वन लिख सकते हैं यूजिंग, यहाँ पर हिंट भी दे सकते हैं आप कि वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू वन। हर जगह पर देना ज़रूरी भी नहीं होता होता, आप लिख सकते हैं अलबत्ता, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पर भी वन आ जाएगा, प्लस सो ऑन टू एन फैक्टर्स, वन को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीन टू एन फैक्टर्स तक जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का जो पोर्शन है वो आगे क्या आएगा, वन फॉर्म में आएगा, और उसको आप एन फैक्टर तक या टू एन फैक्टर तक जहाँ तक भी आप उसे अगर मल्टीप्लाई करते जाएँ वो क्या आएगा, वन ही आएगा। और वन को आप जितनी दफ़ा चाहे मर्जी मल्टीप्लाई कर लें उसका आंसर क्या रहता है, वन ही रहता है। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसके पीछे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, आप उसको खुद ट्राई कीजिए और उसको बिल्कुल आपने इस स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है। अगर आपको ये आता है तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से इजीली आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।